أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا عبد الله سعود. चले देखें आज हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम के ताल्लुक से कि इस्लाम के मानी क्या हैं और इस्लाम के पिलर्स कितने हैं. उसके बाद हम ईमान की तरफ चलेंगे, फिर ईमान के पिलर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे. तो चूंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो हमारी आदत यह है कि हम आप लोगों से पूछेंगे भी, तो हम आप लोगों से जब पूछेंगे तो आप लोग हमारा जवाब भी दीजिएगा. जवाब सही हो या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. और अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि शेख साहब मुझे पता नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है. अगर आप जवाब आता है तो ट्राई करें देने के लिए, इससे आपका हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के बीच बोल पाएंगे. समझ रहे आप लोग मेरी बात को. तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम और ईमान के बारे में आज हम पढ़ेंगे. अगर मैं पूछूं कि इस्लाम की मीनिंग क्या है, इस्लाम व्हाट द मीनिंग ऑफ इस्लाम, तो कौन बताएंगे आप लोगों में से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मानी क्या है, कौन बताएंगे. जो जवाब देना चाहें इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठा सकते हैं या यूं अपने ही उठा सकते हैं, मैं उनका माइक खोल दूंगा. चले मैं बताता हूँ. इस्लाम के माने होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना, और अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी हुक्म दिए हैं सबको कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमा बरदारी करना और उसके हुक्म को बजा लाना. अब जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आप बजा लाएंगे करेंगे तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फरमा बरदारी करनी पड़ेगी. सिर्फ आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम अल्लाह ताला की बात मान लेंगे रसूलुल्लाह की बात नहीं मानेंगे, तो फिर मजेदारी की बात नहीं है. अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानना, उन दोनों की इताअत और फरमा बरदारी करना और अपने आप से अपने आप को शिर्क व बिदअत से दूर रख लेना. आप यूं कहें दूसरे लफ्जों में कि अल्लाह तबारक व तआला को एक मानना और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तमाम कामों को कर लेना और अल्लाह और उसके रसूल के ने जिससे मना किया है उससे रुक जाना, यही इस्लाम है. यही क्या है, इस्लाम है. चले देखें अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 112 यानी 112 के अंदर इरशाद फरमाया है, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 112 ہے, اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیجئے اور جا کر کے اس کا ٹرانسلیٹ دیکھ لیجئے گا اور اس کی تفسیر دیکھ لیجئے گا, جہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سوپ دیتا ہے, یعنی جو اپنے اپنے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور کیا کرتا ہے, عمل کرتا ہے نیک روش پر چلتے ہوئے, یعنی اچھے راستے پر چلتے ہوئے, یعنی اچھے اعمال کو کرتا ہے, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, تو ایسے شخص کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور وہ لوگ جو اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا نماز پڑھنے کا, اب وہ نماز پڑھنے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں منع کیا جھوٹ بولنے سے, رک گئے,
तो जिन चीजों के करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया उन्होंने कर लिया, और जिन चीजों से मना किया उससे रुक गए, तो वो अच्छे लोग हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे आप बच्चे इसमें तकरीबन ज्यादा मोस्टली बच्चे हैं, अब बच्चे जो घर में होते हैं तो कई तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के नजदीक ज्यादा अच्छे बच्चे कौन होते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला सऊद हैं, अरीफा हैं, ये दो बच्चे हैं, भाई बहन हैं ये। अब अगर मैं इनसे पूछूं कि अपने माँ बाप की बात ज्यादा कौन मानता है, तो ये दोनों बताएंगे कि फला फला। तो जो भी बच्चे पेरेंट्स की बात मानेंगे वही पेरेंट्स के नजदीक ज्यादा महबूब होंगे, पेरेंट्स उनसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे, उनको अपने पास ज्यादा बुलाएंगे, उनकी फरमाइश को ज्यादा पूरा कर देंगे। लेकिन अब्बू ने कहा कि बेटा जाओ नीचे, लेकर बोले मैं नहीं जाता, मैं गेम खेल रहा हूँ, अब्बू उनको मानेंगे ज्यादा नहीं मानेंगे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब बंदों को पैदा किया दुनिया के अंदर, तो सारे बंदे अल्लाह तबारक व तआला के हैं, समझ रहे हैं ना? अब जब ये सारे बंदे अल्लाह तबारक व तआला के हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको दे रहा है, सब कुछ दे रहा है ना, मिसाल के तौर पे खाना पीना इलाज दुनिया उनके लिए दे दी है। लेकिन लोग ज्यादा महबूब कौन है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक? जो अमले सालेह करते हैं, जो अमले सालेह करते हैं, वला खौफुन अलैहिम, तो उनके ऊपर कोई खौफ और हुज्न नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, उन लोगों को कोई मसला नहीं होगा। वहां की बात हो रही है कि जब वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाएंगे तो बिल्कुल बेखौफ और खतर चले जाएंगे। बहरहाल अब आइए हम आपको ले चलते हैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और आपको वहां बताएंगे कि हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको, क्योंकि देखे कोई भी चीज है जो वो कुरान के अंदर भी मौजूद है, हदीस के अंदर भी मौजूद है, इसलिए आप लोग जब कोई बात कहीं से लें तो जरूरी है उसके लिए मस्तर का होना, दलील का होना, क्योंकि दीन में कोई चीज अपने हिसाब से आप पैदा नहीं कर सकते। अगर कोई चीज मैं कहूँ आपसे तो आप मुझसे मुतालबा कर सकते हैं कि शेख साहब इसकी दलील क्या है, कि भाई हदीस ये इस्लाम आप बता रहे हो उसकी दलील क्या है, तो मैंने आपको कुरान से दलील दे दी। अब मैं आपको ले चलता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, वहां हम आपके सामने ये वाजे करेंगे कि अल्लाह के रसूल ने इस्लाम को कैसे समझाया है। एक हदीस है जो बहुत मशहूर हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है, और वो हदीस हदीस जिब्रील के नाम से भी जानी जाती है। तो आप लोग भी समझ जाएं कि अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा इस्लाम के अरकान कौन सी हदीस में बयान किए गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि हदीस जिब्रील, हदीस जिब्रील में। हदीस जिब्रील का नाम हदीस जिब्रील क्यों पड़ा? अच्छा मैं पूछता हूँ यहाँ पे रेहान, रेहान ओपन योर माइक जी। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिब्रील अस्सलाम कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते मुमताज। जिब्रील अस्सलाम कौन है? अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों में से एक फरिश्ते का नाम जिब्रील है। जिब्रील अस्सलाम का काम क्या था? वही लाना। मुमताज। जिब्रील अमीन अलैहि सलाम वही के जरिए से कुरान मजीद को ला करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारा करते थे। मुमताज या रेहान बारकल्लाहु फीक। चले तो अभी जो इस्लाम का मसला है ना, तो हदीस जिब्रील के जरिए से यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाने, तो उसने बहुत सारी चीजें उन्होंने सिखाई है, लेकिन दो दो चीजें बड़ी अहम है जो मैं आपको बताऊंगा। इस्लाम और ईमान दोनों अल्लाह के तबारक तआला ने अपने महबूब फरिश्ते जिब्रील को भेज करके सिखलवाया है। मैं आपके सामने, अच्छा यहाँ पे कुछ और है, यहाँ फरहान है, फरहान ओपन योर माइक। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। फरहान आप कहाँ से हैं? बेंगलुरु कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका। आप मैसूर गए हैं? मैसूर गया हूँ। गए हैं, कितना टाइम लगता है आपको मैसूर जाते हुए? दो ओवर। दो घंटे। अच्छा आप बेंगलोर से मैसूर जाते हैं तो थकावट होती है नहीं? हाँ। चेहरे से लगता है ऐसा सफर करके अभी आए आप, थकावट थके थके से लगते हैं है? जी जी। तो उस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो बसें नहीं थी, कार नहीं थे, फ्लाइट नहीं थी, उस जमाने में सवारी का क्या साधन था? ऊंट। ऊंट और घोड़े।
तो उस वक्त सफर करके अगर कोई आता था तो उनके कपड़े गंदे हो जाते थे, बाल बिल्कुल ऐसे उखड़े उखड़े होते थे, चेहरा पसमुर्दा हो जाया करता था, ऐसा लगता था कि ये सफर करके आया है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बतलाने जा रहा हूँ हदीस जिब्राइल के ताल्लुक से कि यह हदीस उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है और यह हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हदीस बहुत अजीम है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बतलाई गई हैं। तो कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। देखो वो नक्शा कैसे खींच रहे हैं, जैसे हम लोग होते हैं ना, आप लोग भी क्लास में होते हैं तो जैसे गए तो आपने कहा कि अरे यार मैं गया था उधर पार्क में, हम लोग बैठे थे, एक बांदर आ गया और ऐसा कर दिया और उसके ऊपर कूद गया और उसका कपड़ा ले लिया, उसकी मिठाई लेके भाग गया, ऐसा आप बयान करते हो तो अगर सामने वाला कोई रहता भी नहीं है तो उसको हो जाता कि हाँ यार तो बिल्कुल, मतलब जैसे कहते ना किसी को अल्लाह तबारक ने ये फन दिया होता है कि वो जो चीज हो चुकी होती है उसको जब वो बयान करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों के सामने सब कुछ हो रहा। तो हदीस का मसला यही है कि जब आप हदीस पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप उसी मजलिस में हैं, उसी महफिल में हैं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। नॉर्मली सहाबे कराम बैठते थे हल्का लगा करके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ चीजें सुनते थे, कुछ चीज पूछते थे, अल्लाह के रसूल बयान फरमाते थे। तो उसी तरीके से कहते हैं कि हम लोग बैठे थे, अब अचानक सडनली कह रहे हैं, सडनली जो है एक शख्स आ गया। ठीक है, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? मोहम्मद खान, मोहम्मद खान का माइक नहीं चालू है, मिर्जा इब्राहिम बेग जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी हाँ सुन रहा हूँ मैं। क्या सुना आपने अभी तक? वो अभी तक वो उमर कुछ आप बोल रहे थे। हाँ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में बयान कर रहा हूँ, सही है। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्लम के सामने ऐसे बैठे हुए थे, अचानक एक शख्स आकर के एंट्री करता है और वो शख्स भी कैसा है उसके बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बतलाया है कि वो शख्स ऐसा था शदीद किस्म के सफेद कपड़े, एकदम सफेद कपड़ा, सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनके बाल एकदम काले काले थे, एकदम ब्लैक, पूरे ब्लैक बाल रहते उनके। और तीसरी चीज उन्होंने बतलाई कि वो जो आए तो उनके चेहरे से, उनके कपड़े से, उनके जिस्म से ऐसा लग नहीं रहा था कि ये सफर करके आए हैं, मतलब कोई असर दिखाई नहीं दे रहा था कि सफर करके आए हैं। और आखिरी चीज जो उन्होंने बतलाई कि हमें यानी अहले मदीना में से कोई शख्स उनको जानता भी नहीं था, ला यारिफुहु मिन्ना अहद, हमें से कोई उनको जानता भी नहीं था कि ये है कौन। चलिए, तो कहते हैं कि यहां तक कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर के बैठ गए और आपका जो टखना है अपने टखने से नहीं, घुटना अपने घुटने से अल्लाह के रसूल के घुटने को मिला करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, सवाल पूछने लगे कि या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्लाम के बारे में बतलाइए। तो आज का जो टॉपिक है ना, इस्लाम क्या है और ईमान क्या है, ये दोनों बहुत अहम है, तो आप लोग उसको नोटिए, नोट करिए कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए मुफीद हैं। और मैं इंशाल्लाह जब अभी हाथ से नोट करेंगे तो ज्यादा अजमर हो जाएंगे, तो मैं किताब इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूंगा तो उससे पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको उर्दू पढ़ना ना आती हो तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अखबिर ने इस्लाम है अल्लाह के रसूल है मोहम्मद, हमें इस्लाम के बारे में आप बतलाइए। तो आपने फरमाया अल इस्लाम अंत शहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह व तुकीम अस्सलाह व तुती अज़्ज़का व तसूम रमज़ान व तहज्ज अल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला। तो इस्लाम के टोटल कितने रुकन हुए, कितने पिलर्स हैं, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, फाइव, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, फाइव, फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम है। अगर सवाल आ जाएगा आपके एग्जाम में कि हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के कितने रुकन हैं, इस्लाम के कितने खंभे हैं, इस्लाम के कितने सुतून हैं, हो सकता है मैं आपको ऑप्शन दे दूं 5, 8, 7, तो आपको चॉइस कौन सा करना रहेगा, 5, इस्लाम के 5
अरकान है, पांच रुकन है, पांच पिलर्स हैं। कौन से कौन से? सबसे पहला पिलर और सबसे स्ट्रांग और मजबूत पिलर कौन सा है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई भी दूसरा इबादत के लायक नहीं है। और इस बात की भी गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के क्या है? रसूल है। नंबर एक, पहला पिलर यही है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तबारक व तआला ही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल है। ये हो गया फर्स्ट पिलर। दूसरा पिलर क्या है? नमाज कायम करना। नमाज कायम करना, इसको आप लोग लिख लीजिए, नमाज कायम करना, ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर कौन सा है? जकात अदा करना। इसकी पूरी तफसील आप लोग बड़े होंगे तो पढ़ेंगे कि जकात किसके ऊपर वाजिब है और किसके ऊपर वाजिब नहीं है। तो अभी अभी आप इतना पढ़ लें कि ये तीसरा पिलर जकात अदा करना है, यानी आपके जो माल है उस माल में जब उतनी कंडीशन में पहुंच जाएंगे आपके माल जिसका मुतालबा किया गया है तो आपको जकात अदा करनी होगी। जकात क्या होता है? मालदार के माल को लिया जाता है 2.5% और उसके बाद फकरा और मसाकिन को दे दिया जाता है। नंबर चार है रमजान के रोजे रखना। अभी रमजान का महीना गया है, आप सारे लोगों ने माशाल्लाह से रोजा रखा है, अल्लाह ताला कबूल करे। और फिर जब अगला रमजान आएगा और आप वहां पहुंच जाएंगे और आपके अंदर वो सारी शर्तें पाई जाएंगी जो रोजा रखने के लिए है, तो फिर आपको रोजा रखना होगा। अदरवाइज आपके लिए रुख्सत है। अगर आप छोटे हैं, बालिग नहीं है, औरतें हैं, किसी ऐसी कंडीशन में हैं तो वो रोजा नहीं रखेंगी, लेकिन वो कर्ज होता है, बाद में रोजा रखा जाएगा। पांचवा रुकन है हज करना, बैतुल्लाह का हज करना। और ये जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है और हर मुसलमान के ऊपर फर्ज नहीं है, बल्कि जिसके पास इस्तेदात हो, ताकत हो पहुंचने की वहां पर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इतना माल दे दिया हो कि उस माल के जरिए से अपने बीवी बच्चों को या अपने घर वालों को छोड़ करके जब वो आए मुल्क में तो उसके बच्चे किसी के मोहताज ना हो जाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस्तेदात भी दी हो, ताकत हो, जिस्म में ताकत हो कि वो दूसरे का मोहताज ना हो, तब उसके लिए फर्ज है, वरना फर्ज नहीं है। तो ये हो गए पांच चीजें। ये कितनी चीजें हो गई? पांच। अब हम लौटते हैं अपने बच्चों की तरफ और हम आप सारे लोगों से मुशारका कराना चाहेंगे कि हमने अभी आपको क्या बताया है। तो आप लोगों में से जो मुशारका करना चाहें, पार्टिसिपेट करना चाहें, आप अपनी अंगुली दिखा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपका माइक खोलूंगा। माशाल्लाह रेहान, ओके रेहान, रेहान माइक खोले अपना। जी रेहान, आप बताइए कि इस्लाम के कितने पिलर्स हैं? इस्लाम के पांच पिलर्स हैं। कौन से कौन से? पहला है कि हमको बस अल्लाह को मानना है और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना है। नहीं, कैसा मानना है, किस तरीके का मानना है? मैंने आपको बताया कैसे मानना है। आप सही कह रहे हो। चलो ये नहीं पता। नहीं ऐसे ना, तो मतलब आपको अपने दिल से गवाही देनी है, अपनी जबान से बोलना भी है, और कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, अल्लाह तबारक व तआला एक है, इसके अलावा कोई माबूद नहीं है, मतलब उसके अलावा कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको आप पूछ सको, ठीक है यही। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसके रसूल है, नंबर एक। दो बताओ दूसरा कौन सा है? नमाज कायम करना। मुमताज, नमाज कायम करना, ठीक है। तीसरा है जकात अदा करना। अहसन, जकात अदा करना। चौथा है रोजा रखना। मुमताज, रोजा रखना। और पांचवा है हज करना। अहसन। अच्छा, ये तो हज करना है सबके लिए जरूरी है, सब मुसलमान के लिए जरूरी है? नहीं, अल्लाह ने जिसको ज्यादा पैसा दिया या जो ज्यादा अमीर हो उनके लिए। माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत अच्छे, अल्लाह ताला बरकत दे, बहुत अच्छे। और भी कोई शिरकत करना चाहेंगे, पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? कोई इंडिया का, मैं चाहता हूँ कि शरीक हो, इंडिया से कोई स्टूडेंट या तो सऊदी के हो गए, और भी कोई इंडिया से? ये एक बच्ची है आयशा। जी आयशा, अपना माइक खोलो आप।
आयशा आयशा जी बोलो आयशा बोलिए माइक खोल लीजिए अपना बेटा चले खैर कोई शायद आयशा जवाब नहीं देना चाहती हैं निकाहत आरा चलो निकाहत बताओ जी जी आप ये बताइए निकाहत कि वो कौन से इस 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 हदीस में वो कौन से फरिश्ते हैं जिन्होंने आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया मौलाना आपने जो बताया ना वो हमने नोट नहीं किए हम नमाज पढ़ रहे थे अच्छा अच्छा चलो ठीक कोई बात नहीं कोई बात तो फिर हम वो हाँ बोलो कैसे करेंगे हाँ नोट कैसे करेंगे देखें आपके पास कोई कलम हो तो नोट कर सकते हैं कलम कॉपी लेकर के नाम नोट इंशाल्लाह आप लोग हम डालेंगे ग्रुप में इंशाल्लाह ग्रुप आप लोग पढ़ लिया करेंगे हाँ जी हाँ तो कोई और जो पार्टिसिपेट करना चाहते हो यहाँ दो बच्चे बैठे हुए हैं साद अख्तर जी हाँ साद इब्राहिम सलाम हाँ हो मैं देख ले रहा हूँ अरे यार आप लोग तो लगता है अखाड़े में रहे अखाड़े में आप लोग कहाँ से हो बताओ कतर हाँ कतर कतर से हो माशाल्लाह माशाल्लाह में बेटा आपका मेरा नाम सादक्तर है मुमताज आपका जवाब बिल्कुल सही है कि वो जो फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और जिन्होंने आकर के सवाल किया था उनका नाम था जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट है बहुत बहुत मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो शाबाश चले तो हम कंप्लीट करते हैं इस हदीस को तो वो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस्लाम क्या है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बतलाया साथ अख्तर अपना माइक बंद कर ले बेटा साथ प्लीज क्लोज योर माइक उसके बाद जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि ईमान ये है कि इस बात की गवाही देना कि नहीं है कोई माबूद बरहक मगर अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं नमाज कायम करना ज़कात अदा करना रमजान के रोजे रखना और हज बैतुल्लाह करना तो फिर उन्होंने कहा सदक आपने सही फरमाया उन्होंने कहा सदक तो तमाम जो सहाबे किराम बैठे हुए थे उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि ये कैसा आदमी है यार ये सवाल भी पूछ रहा और ऊपर से कह रहा कि हाँ आपने सही बताया इसका मतलब किसको सवाल का जवाब पता है जैसे अगर कोई आपके पास आए और जैसे कोई आपका क्लासमेट है और आपके पास आया कहा कि यार मुझे वो कॉपी दे देना अच्छा आपने कॉपी दिखाई या उससे कोई सवाल आपने पूछा आपसे पूछा और आपने बता दिया बोला कि हाँ तू सही कह रहा तो आप उससे बोलोगे अच्छा तुझको जब पता ही था कि सही कर रहा तो पूछने से टाइम जाया कर रहा तो अल्लाह के रसूल से उन्होंने बतला दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि सदक आपने सही फरमाया तो सहाबे किराम कहते हैं कि हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये पूछता भी है और उसके बाद में आपकी तस्दीक भी करता है बहरहाल अब इसी से मिलता जुलता जो दूसरा सवाल है क्योंकि हमने ईमान और इस्लाम की बात की है अब हमने समझ लिया कि ईमान किसे ईमान के पांच पिलर्स हैं और मैं आपको बतलाता चलूं कि किसी भी घर को जब आप बनाते हैं चलो थोड़ा बच्चों की तरफ चलते हैं देखें बच्चे जब हम किसी घर को बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा घर बहुत मजबूत हो उस घर को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं कौन बताएंगे जब आप कोई घर बनाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपका घर मजबूत हो उसके अंदर जो है मतलब कमजोर ना हो छत ना गिर जाए आप लेटे हो तो उसके लिए क्या करते हैं सिर्फ दो तीन उंगलियां उठ रही हैं रेहान की उठ रही है सात की उठ रही है कतर से इंडिया वाले कहां सो गए क्या बिरयानी खा रहे हैं अरे भाई इंडिया वालों इंडिया वाले सब बिरयानी खाने में लगे हैं क्या अच्छा चलो यहाँ अब्दुल्ला सुदैस साहब है जी अब्दुल्ला सुदैस अपना माइक खोल लीजिए आप अपना माइक खोल लीजिए आप हाँ अब्दुल्ला सुदैस सलाम अलैकुम सर वाले सलाम कैसे हो बेटा
हजरत आप कैसे हैं? आप कहाँ से? मैं इंडिया से हूँ सर। किधर से? इंडिया से? हैदराबाद। ओहो, बहुत प्यारी जगह बतला दिया आपने। बिरयानी वाले खाए कि नहीं खाए? खाए सर। क्या खाए आज? मैं खा लिया उनका सैंड। ओके, अच्छा आप बताओ कि जैसे आप कोई घर बनाते हो या कोई इंसान कोई घर बनाता है तो उसकी मजबूती के लिए वो क्या उपाय करता है? पिलर। मुमताज, पिलर्स को मजबूत करता है। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट है। सुदेश साहब, आप सुदेश साहब हैं? यस सर। आप देखो, आपका नाम है अब्दुल्ला सुदेश और हमारे इमामे जो काबा है अब्दुल रहमान सुदेश, तो अभी तो माशाल्लाह से इमाम है। आप भी कोशिश करो कि आप भी हाफिज कुरान बन जाओ और आप भी इंशाल्लाह किसी मस्जिद के बड़े इमाम बनो। ठीक है, क्योंकि नाम का फर्क पड़ना चाहिए। तो आप अगर मक्का मदीना नहीं जा पाएंगे इमामत करने तो हैदराबाद में तो बहुत बड़ी बड़ी जाके सऊदी अरब। माशाल्लाह माशाल्लाह, तआला कबूल फरमाए। और आप देखो, नाम जो मिला है आपको सुदेश का, तो उसकी उसका पासो लिहाज करना, जरूर आपको हाफिज बनना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप मेहनत करिए, मेहनत करिए और इंशाल्लाह हाफिज बनिए। और हमारे साथ इस क्लास को ज्वाइन करिए, आप हमेशा ज्वाइन करिए और अपने दोस्त अहबाब जो भी है उनको भी ज्वाइन कराइए। ठीक है अब्दुल्ला सुदेश? ठीक। अब्दुल्ला सुदेश का जवाब है कि किसी भी घर को बनाने के लिए और घर को मजबूत करने के लिए, ताकि किसी किस्म का कोई खतरा ना हो, हम लोग क्या करते हैं कि पिलर को मजबूत करते हैं। तो जो इस्लाम के पांच पिलर हैं बच्चों, ये जो पांचों पिलर हैं इनको बहुत मजबूत करना है। जब ये पिलर्स आपके मजबूत हो जाएंगे तो आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप दुनिया की जिंदगी गुजारेंगे और फिर यहां से जाएंगे तो वहां पे इंशाल्लाह जन्नत में एंट्री होगी हम सब की। तो इसके लिए जरूरी है कि आप और हम सारे लोग इसको बहुत मजबूत करें। पहली चीज जो है गवाही देना। ये गवाही देना सिर्फ जबान से काफी नहीं है, बल्कि आप जबान से गवाही भी देंगे और आपके पास एक दिल है, उस दिल से उसको कहेंगे कि मानेंगे भी, दिल से मानेंगे, यानी आप दुनिया में आप कभी भी शिर्क नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक अल्लाह की पूजा करें तो गैरुल्लाह की पूजा नहीं करना है। दुआ अल्लाह ताला से माननी है, सजदे अल्लाह ताला के लिए करने हैं, नजर व नियाज अल्लाह ताला के लिए माननी है और तवाफ खाने काबा का करना है। सजदा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के सामने होनी चाहिए, गैरुल्लाह के सामने नहीं होनी चाहिए। आपके हाथ अल्लाह ताला के सामने उठने चाहिए, गैरुल्लाह के सामने नहीं उठने चाहिए। ये हो गई इबादत सारी अल्लाह तबारक व तआला के लिए। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। ये चीज आप मानो, लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी प्रॉफिट आने वाला नहीं है। अगर कोई शख्स आकर के बोले कि वो प्रॉफिट है तो वो तो झूठा है। देखो, आपको उससे कोई प्रूफ भी नहीं मानना कि प्रूफ करो। अगर कोई आकर के बोले कि मैं नबी हूं तो आप उसको बोलो तो झूठा है, किसी बड़े से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये हो गई बात। उसके बाद दूसरा है नमाज कायम करना। नमाज बहुत अहम है इंसान की जिंदगी में, नमाज बहुत अहम है। और जब बच्चे या बच्चियां बालिग हो जाएंगे तो नमाज पढ़ना उनके लिए जरूरी है। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, सवाल करेगा, और कब्रिस्तान में सबसे पहले नमाज के ताल्लुक से ही सवाल पूछा जाएगा। यौमुल क़यामा, क़यामत के दिन, कब्रिस्तान में नहीं, क़यामत के दिन जो सबसे पहले सवाल होगा नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन्ना अव्वला मा युहासबु बिही अल अब्द यौमुल क़यामा अस-सला, कि सबसे पहले जिस चीज के बारे में सवाल किया जाएगा बंदे से नमाज के ताल्लुक से। तो आप सारे लोग बच्चे हो, इसमें कुछ लोग बड़े हो रहे हैं, कुछ छोटे हो रहे हैं, तो जब भी देखो आपको अभी से बचपन से ही नमाज की आदत डालनी है। और शायद इस वीडियो को पेरेंट्स भी देख रहे हो बच्चों के साथ साथ, तो मैं एक हदीस शेयर कर देना मुनासिब समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि अपने बच्चों को नमाज का आप हुक्म दीजिए जब वो 7 साल के हो जाए, और जब वो 10 साल के हो जाए तो नमाज के लिए आप उनको मार भी सकते हैं। तो 7 साल से लेकर के 10 साल तक का ये जो टाइमिंग है 3 साल का, इसमें बच्चे को मारना नहीं है,
पेरेंट्स इस बात को ध्यान से सुन लें कि इस दौरान बच्चे को मारा नहीं जा सकता है। अगर आप मारेंगे तो आप सुन्नत नबवी के खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि इन तीन सालों में आप बच्चों को हैबिट के तौर पर आदत डालने के लिए उन्हें हुक्म देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अजान हुई, आप और आपकी अहलिया नमाज के लिए अगर तैयार हो रहे हैं तो बच्चों को जगा दीजिए, बेटा नमाज पढ़ लो, घर ही में नमाज पढ़ लो, मस्जिद नहीं जा सकते हो, कोशिश करें कि आप उनको मस्जिद ले जाएं। और ये जो 7 साल दिया गया है इसलिए दिया गया है कि 7 साल से पहले बच्चा जब मस्जिद में जाएगा तो लोगों को डिस्टर्ब ज्यादा करेगा, लेकिन जब 7 साल के बाद जाएगा तो वो अपने अब्बू की बात को मानेगा। अब्बू उससे कहेंगे मेरे बगल में खड़े होना, तो बगल में खड़ा हो जाएगा। किसी मुसल्ली के आगे जाना नहीं बेटा, नहीं जाना, और किसी को आवाज नहीं करना, आवाज नहीं करेगा। तो ये 7 साल में पहुंचने के बाद बच्चे को थोड़ी सी तमीज हो जाती है सही और गलत की, वो हर चीज पहचानने लगता है क्या उसके लिए मुफीद है क्या मुफीद नहीं है। तो इसीलिए 7 साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्स किया है कि 7 साल का जब वो हो जाएगा और जब वो जाएगा तो वहां पे जो और नमाजी होंगे उनको तकलीफ नहीं देगा। तो अब हम एज ए पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के जाए, अकेले ना चले जाए। क्योंकि जब वो पेरेंट जो अकेले चले जाते हैं और अपने बच्चों को नहीं कहते हैं तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको पता नहीं होता है कि क्या करना है नमाज पढ़ने के लिए कहना, फिर बाद में पेरेंट शिकायत करते हैं वो शेख साहब हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ही ने तो उनको छोड़ दिया है, सुन्नत नबवी को हम ही ने तो छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल ने तो कहा कि 7 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को नमाज का हुक्म दो और आपने उनको टच ही नहीं किया। और एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे साथ है कि हमारे यहाँ की जो मस्जिदें हैं खासतौर से हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ चूंकि मैं वहां पे रहा हूँ और मैंने देखा है बहुत करीब से कि वहाँ छोटे बच्चों को जैसे अगर वो मस्जिद में चले गए उनको बड़ी अजीब और गरीब नजरों से देखते हैं लोग। वहाँ के जो मुसल्ली होते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो डांट भी देते हैं, और वो सिर्फ बच्चों को नहीं डांट देते हैं बल्कि वो पेरेंट्स को भी डांटते हैं, क्या आपको कोई और जगह नहीं मिली तफरीह के लिए, बच्चे को यही लाना था, और बच्चों को अगले सामने खड़े नहीं होने देते हैं, पीछे जाओ। अरे भाई खड़े हो जाने दो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं कि बच्चे आगे ना खड़े हों, अगर कोई नहीं है तो जरूर बच्चे आगे खड़े हो, कोई है तो ठीक है बड़ों का ज्यादा हक है कि आगे खड़े हों, लेकिन वो कोई नहीं होता है अगले सामने 2-3 लोग होते हैं तो पीछे बच्चों की सबको लगा देते हैं, जब पीछे बच्चे हो जाते तो और परेशानी करते हैं। मैं अपना वाकया बयान करूं, मैं एक बार एक मस्जिद में गया और मेरा बेटा मस्जिद ले रहा था कि मैं चलूंगा आपके साथ अब, तो मैंने कहा चलो भाई। अब मैं वहां गया तो चूंकि मैं वहां पे एक नया इंसान था, अब वो वहां पे जो मतवल्ली थे वो तो उन्होंने ले दे लिया, ऐसे कैसे आप अपने बच्चे को ले आए, आप तो नहीं लाने चाहिए, आप तो समझदार दिखते हैं। तो मैंने बहुत ज्यादा उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं की, मैंने कहा कि नहीं ठीक है मैं ख्याल करूंगा इसका इंशाल्लाह, क्योंकि मैं वहां पे नया था। तो मेरा इस तरह से बच्चों के साथ बिहेव किया जाता है हमारे यहाँ क्योंकि गलत है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे मस्जिद से मुतनफिर भी हो जाते हैं और फिर वो दोबारा मस्जिद जाने का नहीं चाहते। तो नमाज कायम करने के बाद जकात अदा करना, जकात जो मालदार होते हैं उनके माल को लेकर के 2.5% और वो सोने का चांदी का सत्ता जो है निसाब अलग अलग है, गल्ले का निसाब अलग है, पैसों का निसाब अलग है, तो खैर वो निसाब को जब पहुंच जाए और उसमें 1 साल गुजर जाए आपकी सेविंग में तो फिर उसको ले करके 2.5% जो पूरा माल होगा उसको फकरा मसाकिन में दे दिया जाएगा। इससे फायदा यह होता है कि माल आपका पाक हो जाता है और दूसरा वो जो फकरा और मसाकिन आपके समाज और माशरे में है वो उससे उनके लिए कुछ रोजी रोटी का सामान इकट्ठा हो जाता है। रमजान का रोजा, आप अभी रमजान का रोजा गया है, रमजान का रोजा ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी उम्मत के ऊपर फर्ज किया गया है। मैं जरा कैमरा खोल लूं अपने बच्चों का। अच्छा कौन जवाब देना चाहेंगे भाई, मैं रमजान के ताल्लुक से सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, कौन जवाब देना चाहेंगे? यहाँ एक बच्ची आयशा, जी आयशा अपना माइक खोल लीजिए। आयशा हाँ आयशा कहाँ से हो बेटा आप? जमशेदपुर से। ओ जमशेदपुर टाडा झारखंड। अच्छा आयशा आप ये बताइए कि रोजा रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? हमारा तक्वा
बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल आइन जवाब आपने दे दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल, मेरा अलिशबा नाम है, आयशा नहीं। क्या नाम है आपका? अलिशबा। अलिशबा, सॉरी अलिशबा, सॉरी 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 सॉरी, कोई बात नहीं है, आप अलिशबा हो, शायद मैं आपके आई को एल को आई पढ़ लिया, खैर है। अलिशबा आपका जवाब बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है आपका जवाब, और आपने तो बिल्कुल परफेक्ट जवाब दे दिया। अलिशबा ने जवाब दिया तकवा, रोजा रखने से तकवा इख्तियार करता है इंसान। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अच्छा, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, बिल्कुल अलिशबा का जवाब सही है, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, कौन जवाब देंगे? अरे भाई हिंदुस्तान वाले कहाँ हैं? अब्दुल्ला सुदै साहब ने जवाब दे दिया है, यहाँ पे हमजा है, इम्तियाज है, हामिद है, ये चारों लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक हाथ उठाया हुआ है। अरे भाई जवाब दीजिए, ने कहा था आरा? अच्छा चलो ने कहा बताओ जी, ने कहा जी, आप ये बताइए कि ये जो रोजा फर्ज किया गया है वो सिर्फ हम लोगों को पर फर्ज है कि हमसे पहले जितने नबी आए थे उन पर कौन फर्ज था? नहीं, हम पर ही है। नहीं, जैसे अल्लाह के रसूल की उम्मत हम सारे लोग हैं, तो अल्लाह के रसूल के पहले और बहुत सारे अंबिया रसूल आए हैं, तो उनके ऊपर भी रोजा फर्ज था, कितने हमारे ऊपर फर्ज है? हमारी उम्र उनके ऊपर नहीं फर्ज था? था, था ना? आप एक जवाब दीजिए, था कि नहीं था? था। आखिरी जवाब? था। ओके, तो निकाह तारा का जवाब बिल्कुल सही है, जिस तरह से हम लोगों के ऊपर रोजा फर्ज है ऐसे हमसे जो पहले थे उनके ऊपर भी रोजा फर्ज था, उसी आयत के अंदर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज किया गया है तो तुमसे पहले जो उम्मती थे उनके ऊपर भी रोजा फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यह है हज करने का मसला, व तहज्जुल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला। हज जिंदगी में कितनी बार फर्ज है, आप लोगों में से कौन जानते हैं हज जो है जिंदगी में कितनी बार फर्ज है? मैं जरा अपना पेज बदलता हूँ और अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ, दूसरे बच्चों की तरफ, क्योंकि अभी जूम में तकरीबन 32 लोग हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये हज जिंदगी में कितनी बार फर्ज है? भाई वहां कतर की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा, कह रहे हैं कि शेख साहब हमसे पूछ लीजिए आप। जी साद साहब, एक बार, अगर हम लोग के पास पैसा है तो एक बार, हाँ, और अगर ताकत नहीं है तो एक बार, अगर ताकत नहीं है तो हम लोग नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं। ताकत नहीं है तो कैसे करेंगे साहब, आप बताइए, ताकत नहीं है तो कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऐसे कैसे हो गए? अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसके पास पैसा नहीं है, नहीं जा सकता है मक्का, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा भी तो नहीं ना जाएगा, वो नहीं जा पाएगा, वो नहीं जा पाएगा। अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तुमने हज क्यों किया, क्यों नहीं किया? नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेगा, क्योंकि उसके पास इस्तेदात नहीं है, उसके पास हैसियत ही नहीं जाने की। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे साथ साथ के पास बहुत पैसा है और साथ साथ के पास बहुत बड़ी कंपनी है, मिलियन और बिलियन में खेलते हो आप, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला आपको बहुत नेक और साले बना दे, आपको बहुत मालदार बना दे, और ताकि आप उम्मत का जो है भला करें, सबका फायदा पहुंचाएं, तो जैसे मिसाल के तौर पर आपका बहुत बड़ी कंपनी है और आपने एक बार हज कर लिया जिंदगी में बालिग होने के बाद में, तो अभी आपको हर साल हज करना है, हर साल करना है कि एक बार खाली काफी है? एक बार भी काफी है, और अगर बहुत साल भी चाहें तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब एक बार काफी फर्ज है, और दूसरी बार तीसरी बार जाएंगे तो आपके नफिल होगा ऐसे? तो बिल्कुल बिल्कुल, साद अख्तर का जवाब बिल्कुल सही है और बहुत परफेक्ट जवाब दिया है इन्होंने माशाल्लाह से, और इन्होंने बाय फोर्स मुझसे लिया है, मेरे हाथ को खींचा है कि शेख साहब इधर उधर ना जाइए, मैं यहाँ हूँ,
आप मुझे जवाब दीजिए, ऐसे ही मैं आप सारे लोगों से चाहता हूँ ऐसे फोर्स कीजिए मुझसे कि आप नजरे करम जरा इधर भी कीजिए, जैसे साहब ने मुझे खींच लिया अपनी तरफ कि शेख साहब मैं जवाब दूंगा, ऐसे ही आप जोश बुलाइए कि मैं जवाब दूंगा। तो साहब का जवाब बिल्कुल सही है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना पैसा दिया है कि आप हर साल हज कर सकते हो, इजली हज कर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक बार हज किया है और दोबारा आप हज करने नहीं गए तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने एक फर्ज अदा कर लिया। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल क्या ये हज हमारे ऊपर हर साल फर्ज है? तो आप सल्लम ने कहा कि अगर मैं हाँ कह दूंगा तो आप लोग उसको कर नहीं सकते। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया है और कितनी बार हज किया ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया अपनी जिंदगी में, तो आप लोग ये बताइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज किए हैं और कितना उमरा किया? अलीशा ने फिर हाथ उठा दिया जमशेदपुर से, ना हैदराबाद से हाथें उठ रही हैं, ना यूपी से हाथें उठ रही हैं, ना बेंगलोर वाले हाथ उठा रहे हैं, कहाँ हैं सब, सो रहे हैं क्या? अच्छा चले, यहाँ एक साहब हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना, हाथ उठाया है। आप बेटा आपका आपकी आवाज कनेक्ट नहीं है, आप आवाज कनेक्ट कर लो। IGWCI आपकी आवाज कनेक्ट नहीं है, आवाज कनेक्ट करिए पहले। अभी तक आप करंट, हाँ करंट कर लिया आपने, बिल्कुल। चलिए आप जवाब दीजिए, सवाल मेरा ये है, आपका नाम क्या है बेटा? आप आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही लाले। आप माइक खोलो, अपना माइक खोलो, आपका माइक बंद है, आवाज आपने बंद कर रखी अपने पास से, माइक खोल लीजिए। आप क्लिक करिए कॉर्नर में, क्लिक करिए, आपकी माइक बंद है, नहीं आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई आपकी। नहीं आई, नहीं आपकी आवाज नहीं आई। चलिए देखें, जो आप ट्राई करिए, जो लोग जवाब नहीं दिए मैं उनके लिए माइक खोलूंगा, जो लोग दे दिए एक बार आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। और रेहान ने भी दे दिया, अब्दुल्ला साहब जी, अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि आप कहाँ से हैं पहले बताइए। इंडिया, हैदराबाद। हैदराबाद से हैं, चलिए अब्दुल्ला साहब साहब खाना खा लिया आप? जी। क्या खाए? खाना अंडे का सालन। अंडे का सालन, चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप ये बताइए अब्दुल्ला साहब साहब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने बार हज किया और कितने बार उमरा किया? एक बार हज, चार बार उमरा। जवाब आपका बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और आज आपने अंडे का सालन खाया है और संडे को बिरयानी खा के आइएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, शाबाश। चलो, तो इस तरीके से तकरीबन ये हम क्लोज करने जा रहे हैं। इस्लाम के बारे में हमने आपको बता दिया, आपने समझ लिया कि इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, और इसमें अल्लाह के रसूल ने अहम फल अहम को जिक्र किया है। जिब्रील अमीन आए और पूछे और आपने बताया, फिर जिब्रील अमीन ने कहा कि हाँ आपने सही कहा, तो सहाबा को ताजुब हुआ, ये कैसा बंदा है, ये खुद सवाल करता है, खुद जवाब देता है, कि ठीक फरमाया। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ईमान के ताल्लुक से, ईमान के ताल्लुक से है। अच्छा, ईमान की तारीफ क्या है? ईमान की तारीफ क्या है भाई, कौन बताएंगे ईमान की तारीफ? व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ईमान, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईमान, कौन बताएंगे ईमान की तारीफ? चलो मैं ही बता देता हूं। ईमान कहते हैं इकरार बिल लिसान, आप लोग अपना अपना कलम ले लीजिए और लिख लीजिए इसको। ईमान कहते हैं इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल जनान, अमल बिल अरकान, यजीद बिताअत रहमान व यनकुस बिताअत शैतान। ईमान कहते हैं कि जबान से इकरार करना, किसी भी चीज का आप जबान से इकरार करो और अपने दिल से उसको तस्दीक करो, मानो दिल से, और जो आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जवारे जिसको बोलते हैं अरबी में,
उसको इंग्लिश में पार्ट था, बॉडी, हाथ, पैर, नाक, कान, जो कुछ भी आंख, सबसे उस बात की तस्दीक करो। यानी इन तमाम तीनों चीजों से, जबान से इकरार करना है, दिल से उसकी तस्दीक करना है, और ये जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, जो आप जबान से इकरार करेंगे और जो दिल से तस्दीक करेंगे, ये पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके ऊपर अमल करेंगे, इसी को कहते हैं ईमान। ठीक है, ये हो गया ईमान। और ईमान का मसला एक और है कि ईमान घटता बढ़ता रहता है, ईमान घटता बढ़ता रहता है। यजीदु बिदाअत रहमान, जब आप अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करते हैं, जब आप मस्जिद के तिलावत करते हैं, जब आप सदका व खैरात करते हैं, जब आप तवाफ करते हैं, जब आप सजदा करते हैं, तो जब आप इतकाफ करते हैं, तो आपके ईमान के अंदर इंक्रीजिंग आती है। इंक्रीजिंग आती मतलब आपका ईमान बढ़ता रहता है। और जब कोई इंसान गलत काम करने लगता है, तो उसके ईमान के अंदर क्या होती है, घटाव पैदा हो जाता है। तो यजीदु बिदाअत रहमान व यनकुसु बिदाअत शैतान। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, किसने पूछा, जिब्रील अमीन ही सिखाने आए थे, तो उन्होंने ही दूसरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अखबरनी अनिल ईमान, मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो आपने कहा कि अंतुमिन बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही व यौमिल आखिर व बिलकद्र खैरिही व शर्रिही। ये छह अरकान हैं इस्लाम के, पांच पिलर्स हैं और ईमान के छह पिलर हैं। आप लोग उसको लिख लीजिए या कम से कम अपनी मेमोरी बिठा लीजिए कि कोई आपको कंफ्यूज ना कर पाए। इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, हाथ दिखाओ बच्चों, हाथ दिखाओ, सारे बच्चे हाथ दिखाएं अपना। इस्लाम के कितने पिलर्स हैं, बहुत से बच्चे नहीं दिखा रहे हैं, पांच। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम या रेहान नॉट ईमान, हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, फाइव। एंड हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, सिक्स। हाउ मेनी पिलर्स ऑफ इस्लाम, सिक्स। तो ईमान के पांच पिलर और इस्लाम के, ईमान के छह पिलर और इस्लाम के पांच पिलर। ठीक है, ईमान के छह और इस्लाम के पांच, और जो पिलर से उनको बहुत मजबूत करना है। अभी आप लोगों ने शुरू शुरू में कहा है कि जब हम घर बनाते हैं, तो घर में किसी किस्म का कोई खतरा ना हो, हम उस पिलर को बहुत मजबूत कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आपके ईमान के अंदर कोई कमजोरी ना आए, उस पिलर को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके इस्लाम के अंदर कोई खतरा ना आए, आपके इस्लाम को कोई हिला ना सके, तो फिर आपको अपने पिलर्स को भी मजबूत करना होगा। अब मैं एक एक करके आपको गिनाता हूं, उसके बाद मुख्तसर से उसकी तशरीह करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। पहला रुकन क्या है ईमान का, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाना। आप इसको लिख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाना, अन तुमिना बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाना। नंबर दो, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना। नंबर तीन, उसके भेजे हुए रसूलों के ऊपर ईमान लाना, अंतुमिना बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही। नंबर तीन है उसके भेजे नाजिल किया हुआ किताबों के ऊपर ईमान लाना। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी किताबें नाजिल की, आसमानी किताबें, उन सब के ऊपर ईमान लाना है। नंबर चार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए रसूलों के ऊपर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल सल्लम के भेजे हुए रसूलों के ऊपर ईमान लाना। नंबर पांच, यौमे आखिरत के ऊपर ईमान लाना, यौमे आखिरत के ऊपर ईमान लाना। और नंबर छह है, नंबर पांच हो गया यौमे आखिरत के ऊपर ईमान लाना, नंबर छह है तकदीर के बुरे और भले होने पर ईमान लाना, तकदीर के बुरे और भले होने पर ईमान लाना। फिर से मैं रिपीट करता हूं मैं, आप लोग लिखो, ईमान के छह अरकान, इस्लाम के पांच अरकान, ईमान के छह अरकान, इस्लाम के अरकान कंप्लीट हो गए, इस्लाम के अरकान कंप्लीट हो गए, अब ईमान की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला रुकन और पहला पिलर है अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाना, दूसरा पिलर है अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, तीसरा पिलर है अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल की हुई किताबों के ऊपर ईमान लाना, यानी आसमानी किताबों की तरह के ऊपर ईमान लाना, और उसके बाद है रसूलों के ऊपर ईमान लाना, जो रसूल आए हैं। उसके बाद है यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाना। उसके बाद है तकदीर के बुरे और भले होने पर ईमान लाना, तकदीर के बुरे और भले होने पर ईमान लाना। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाने का मतलब क्या है,
अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ही रब है। अल्लाह तबारक व तआला ही क्या है? रब है। हम लोगों को पैदा करने वाला है, जमीन व आसमान का पैदा करने वाला है, शजर व हजर का पैदा करने वाला है, जमीन व आसमानों का पैदा करने वाला है, पहाड़ों का पैदा करने वाला है, मतलब पूरी दुनिया को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक। पूरी दुनिया के अंदर जो निजाम और सिस्टम चल रहा है वो कौन चला रहा है? अल्लाह तबारक व तआला चला रहा है। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना आपका ईमान और अकीदा मजबूत होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर जो हो रहा है, निजाम चल रहा है, उसको कौन चला रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है होगा, हो रहा है, और जो नहीं चाहता नहीं होता है। और आइंदा भी अल्लाह तबारक व तआला जो चाहेगा वही होगा, और जो नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। और अगर अल्लाह तबारक व तआला एक बार कह दे कुन फयकुन, ये दुनिया जो आप देख रहे हो, इतनी बड़ी दुनिया और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और ट्रेन और पहाड़ और पता प्लेन और ये और वो आप देख रहे हो ना, अगर अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ कह दे कि खत्म हो जाए तो खत्म हो जाए, और फिर कह दे बन जाए तो बन जाएगा। तो मुख्तसर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाना कि हमारा रब है, और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाना कि वो हमारा माबूद भी है, यानी हम उसी की इबादत करेंगे, कोई दूसरी जात ऐसी नहीं है जिसकी इबादत की जाए। और अल्लाह तबारक व तआला के कुछ नाम हैं, कुछ नेम्स हैं, उस नेम को भी हमें मानना है वैसे जैसे कि कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, इसके अंदर कोई उसका शरीक नहीं है। और वो जो नाम आए हैं उनको ऐसे ही मानना है जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मानने के लिए बताया है। उसमें हमें कोई एग्जाम्पल नहीं देनी है, उसको कोई डिले नहीं करना है, डिले नहीं करना है, खत्म नहीं कर देना है, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा है, वो नहीं, जैसे है वैसे हमें मानना है। तो ये हो गया अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान लाना। अगर मैं यहाँ माइक खोलना चाहूंगा, जो जो सवाल मेरे सवाल का जवाब देना चाहेंगे, सवाल कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप जरा तैयार होके आइएगा। चले यार सलाम मिर्जा, मिर्जा अरसलान, आप ये बताओ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत आप करते हो, अल्लाह तआला इसको पसंद करेगा, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को करने के साथ साथ क्या आप गैरुल्लाह की इबादत कर सकते हो? किसकी? आप दूसरों की इबादत कर सकते हो? नहीं नहीं जो, अरे थोड़ा सा अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, थोड़ा उधर करें तो क्या मुश्किल है भाई? सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है और दूसरों की इबादत करता है तो क्या कहा जाएगा इसको? वो गलत कर रहा है। वो गलत कर रहा है यानी वो शिर्क कर रहा है। वो क्या कर रहा है? शिर्क कर रहा है। और शिर्क को अल्लाह ताला माफ करेगा कि नहीं माफ करेगा? नहीं माफ करेगा। और अगर तौबा कर ले तो? माफ कर देगा। अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देगा। यानी अरसलान साहब ने अभी ये बतलाया है कि अगर आप सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हो, यही है तौहीद। ये क्या है? तौहीद। और अगर आप अल्लाह की भी इबादत करते हो और गैरुल्लाह की भी इबादत करते हो, क्योंकि जितनी इबादतें, अभी मैं आपको इबादत का माना बताऊंगा। अच्छा चलो अभी बता, इबादत किसे कहते हैं? इबादत का डिफिनेशन क्या है? कौन बताएंगे इबादत की डिफिनेशन? बच्चों कौन बताएंगे आप लोगों में से डिफिनेशन? व्हाई इज द डिफिनेशन ऑफ इबादा? इबादा किसे कहते हैं? अलीशा चलो बताओ बेटा, शाबाश। आप माइक खोले अलीशा अपना, चलो शाबाश बताइए। अल्लाह को जी, अल्लाह को एक जानना। हाँ नहीं, मैं आपको इबादत और आल इबादत की पूछ रहा हूँ। देखो नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, इबादत बहुत तरह की है। आप जानती हैं इबादत किसको कहते हैं? आप रोजा रखते हो भी इबादत है। तो इबादत का डिफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? कुरान पढ़ना, कुरान की तिलावत करना। शाबाश, आपने अच्छा ट्राई किया, इबादत है। और कौन बताएंगे इबादत की तारीफ? अच्छा क्या आलिशा आपने, गुड ट्राई। मतलब आप जो बता रहे थे सही बता रहे, बस आप उसको वो ताबीर नहीं कर पा रहे। इबादत कहते हैं
इबादत कहते हैं हर उस चीज को इबादत करते कहते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता हो उसी को इबादत कहते हैं। अल इबादा इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुहु अल्लाहु व यरदा मिन अल अक़वाल वल अफ़आल अज़ाहिरा वल बातिन। इसका शॉर्टकट में तर्जुमा यह है कि इबादत हर उस चीज को कहते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला पसंद करता हो, चाहे वो जाहिरी आपके अमाल हो, अकाल हो, अफाल हो या बातनी हो। जाहिरी जैसे आप अपने आज़ा व जवारे से कर रहे हैं, आप अपने जबान से इबादत कर रहे हैं, वो सब के सब क्या है, इबादत है। और जितनी भी इबादतें हैं, किसी भी इबादत को आप गैरुल्लाह के लिए नहीं कर सकते। जैसे दुआ ही है मिसाल के तौर पे। अच्छा चले मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि कुछ लोग जब दुआ करते हैं तो वो जब मक्का मदीना आते हैं, मदीना बिलखसूस, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से कहते हैं दुआ मांगते हैं, तो ये सदके से दुआ मांगना सही है कि नहीं सही है, बताइए आप लोग। यहाँ हादी इम्तियाज के दोनों माइक खोल लेती है। हादी हलाल हादी नहीं सही है। हादी बोलिए बेटा। सही नहीं है। सही नहीं है, क्यों नहीं सही है भाई? सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही, बताइए तो। देखो हादी कह रहे हैं सही नहीं है, हादी कह रहे हैं सही नहीं है। देखो क्योंकि क्यों सही नहीं है मैं बताता हूँ। हादी ने कहा कि सही नहीं है, उनका जवाब बिल्कुल सही है कि आप गैरुल्लाह से दुआ नहीं कर सकते और किसी के सदके से भी दुआ नहीं कर सकते कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस दुआ को फला के सदके से कबूल कर ले, ये सही नहीं है। आप पूछेंगे क्यों शेख, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, नेक लोग हैं, तो क्या हरज की बात है? आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ के लिए हमें किसी का मुहताज नहीं बनाया। अल्लाह तआला ने क्या कहा, उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँ। ठीक है, तो आप सीधे अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस चीज को तुम्हें दे दे, हमें जन्नत दे दे, हमें दोजख से आजाद कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह तबारक व तआला हमें एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर दे, है ना। जो भी चीज, दुनिया की चीज, आखिरत की चीज आप अल्लाह ताला से मांगो, अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको देगा। लेकिन आप ये कहो कि दुआ करके कि नबी के सदके से, वली के सदके से, पीर के सदके से हमें माफ कर दे, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि क्या है, गलत है। ऐसा करने से अल्लाह तबारक व तआला आपका मुआवजा करेगा, क्योंकि आप इसमें वली को शरीक कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला अकेले ही उसका मालिक है दुआ कबूल करने का। अल्लाह तआला कहता है उदउनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो हम तुम्हारी दुआ को कबूल करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम शहर रख से भी ज्यादा करीब हैं, हम बंदे से शहर रख से भी ज्यादा करीब हैं। अच्छा मैं कुछ और लोगों से सवाल करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से हम सारे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो नमाज जब आप पढ़ते हैं तो नमाज में आप क्या क्या करते हैं? यहाँ पे है खैरुन निसा, माइक खोलूं आपका मैं बेटा, आओ ना माइक खोलिए खैरुन निसा, नहीं खोलते, चलो ठीक है ओके। कौन जवाब देंगे इधर से? Z7A का माइक खोलता हूँ, चले खोले अपना माइक आप। 7827 सैयद सलीम। हाँ सैयद सलीम जी, आप पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं? ओपन करो, कहाँ से है? वीडियो ओपन करो, वीडियो खोलो, वीडियो। सैयद सलीम जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, आप कहाँ से हैं सैयद सलीम? सऊदी अरेबिया से। कहाँ से? अल-खोबर। अल-खोबर तो आप करीब के हैं माशाल्लाह, हमसे हम राका में, आप खोबर में हैं। अच्छा आप बताओ कि जब आप नमाज पढ़ते हो तो नमाज में क्या क्या करते हो, कैसे शुरू करते हो, फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो, तीन अहम चीजें बतलाओ आप। पहले सना सुभानक अल्लाहुम्मा, पहले नियत करते हैं। कैसे नियत करते हो? सना सुभान बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। नियत कैसे करते हो? नियत कैसे करते हो? दिल में बोलते हैं।
मतलब जबान से आप नियत करते हो कि दिल में सोच लेते हो? जबान से, जबान से। कैसे करते हो जबान से? चार रकात फर्ज नमाज पढ़ता हूँ मैं अल्लाह ताला के लिए, मुंह में काबे शरीफ की तरफ वक्त है ऐशां की। अच्छा अच्छा, अगर आप नमाज पढ़ा रहे हो तो कैसे नमाज नियत करोगे? आप नियत में कहते हो ना कि इमाम के पीछे, अभी आप अगर नियत कर रहे हो नमाज पढ़ा रहे हो तो कैसे नियत करोगे? ये नियत कर रहे हो। देखो शाबाश, अभी जो नियत करनी है वो आपको जबान से नहीं करनी, नियत दिल के इरादे का नाम है। आपने सोच लिया आप नमाज में हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं या अभी मगरिब की नमाज पढ़ने जाएंगे, जैसे आप वजू करेंगे तो किस चीज की नियत होगी? मगरिब की, सही कि नहीं सही है? आप मस्जिद में जाएंगे तो मगरिब की नियत, आप इमाम के पीछे खड़े हैं तो मगरिब ही पढ़नी है। तो इसको बोलना नहीं है बल्कि आप अपने दिल में सोचो, यही नियत है। ठीक है, तीन अहम चीजें जो मैंने आपसे पूछी हैं वो आप तीन बताओ। जैसे एक, आप खड़े होते हो, ठीक है, आप रुकू में गए, आपने सजदा किया। तो जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, जो मैंने पूछा है और मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला दुआ जब बंदा करता है तो उसके बंदे को दुआ को बहुत कबूल करता है। कैसे? कि इंसान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इंसान जब सजदा करता है और जब वो सजदे की हालत में होता है तो वो अपने, जब इंसान सजदा करता है तो अपने रब से बहुत करीब होता है, अपने रब से बहुत करीब होता है। तो जब आप सजदा कर रहे हो तो अपने रब से करीब हो, जब आप अपने रब से करीब हो तो फिर किसी के मांगने की जरूरत क्या है, किसी के पास जाने की जरूरत क्या है? आप सीधा अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने कज़िये को रख दीजिए और कहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस चीज की जरूरत है। ठीक है शबाब, तो ये हो गया। मतलब तमाम किस्म की इबादतें वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए होनी चाहिए और अल्लाह के लिए, किसी गैर अल्लाह के लिए नहीं होनी चाहिए। अंतो मिना बिल्लाही व मलाइकती, अब जो फरिश्ते हैं उनके ऊपर भी ईमान लाना है। फरिश्ते कितने हैं उनकी तादाद मुझे पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। अच्छा, फरिश्तों में और इंसान में एक बहुत ही मेजर डिफरेंट है, फर्क है। कौन बताएंगे? फरिश्तों में और इंसान में कुछ फर्क है, कुछ अलग सी बातें हैं, कौन बताएंगे आप लोगों में से? हाँ भाई, साद साहब तो बिल्कुल कतर से डटे हुए हैं, लगता है कतर जीत जाएगा हिंदुस्तान से आज। जी, फरिश्ते अल्लाह ताला ही के काम करते हैं। ओ जबरदस्त, फरिश्ते अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं, वो गैर अल्लाह की इबादत नहीं करते, मतलब अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। और इंसान, लेकिन इंसान कभी भी किसी की इबादत करते, कभी किसी की इबादत करते। बहुत अच्छी बात है भाई, और कोई एक फर्क बताए। इंसान अल्लाह ताला का सबसे अच्छा क्रिएटर है। अच्छी बात है। अच्छा, और ये बताओ, आप बताओ कि फरिश्ते किस चीज से पैदा किए गए हैं और इंसान किस चीज से पैदा किए गए हैं? फरिश्ते लाइट से पैदा किए गए हैं और इंसान मिट्टी से पैदा किए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो इंसान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए, आए कि नहीं आए? आए। अल्लाह के रसूल मिट्टी से पैदा हुए हैं। हाँ, वो भी मिट्टी से पैदा। तो कुछ लोग कहते हैं नूर से पैदा हुए, तो आप क्या कहेंगे उनको? गलत है। गलत, एक्सेलेंट, बहुत अच्छा जवाब है आपका। साथ साहब आपने तो यार मेरा दिल ही जीत लिया यार, एकदम जबरदस्त। आप एक काम करो, संडे से इंशाल्लाह, संडे से आप क्लास के, क्लास में पढ़ाएंगे हम बैठेंगे, ठीक है? तो संडे में तैयारी करके आइएगा आप, ठीक है साथ? ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो यार, पढ़ा दो यार एक। चलो शाबाश। तो जो फरिश्ते हैं वो फरिश्ते, फरिश्तों की तादाद अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता है। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। इंसान अल्लाह ताला से वादा करके आया है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तेरी इबादत करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद वादा खिलाफ बन गया। तो बहरहाल, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं, कुछ फरिश्ते जिनको हम जानते हैं जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है, इस्राफ़ील अलैहिस्सलाम है, रिजवान है, इस तरह से कुछ फरिश्ते जिनको हम जानते हैं। तो इनके ऊपर भी ईमान लाना है और उन फरिश्तों के ऊपर भी ईमान लाना है
जिनको हम नहीं जानते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक है और वो ला यासून अल्लाह मा अमरहु, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी नहीं करते हैं। तो हो गया फरिश्तों के ऊपर ईमान लाना, अंतुमना बिल्लाहि मलाइकाती व कुतुबी, अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा आसमान से जितनी किताबें नाजिल की गई उसके ऊपर भी ईमान लाना। कितनी कितनी किताबें नाजिल की गई कौन बताएंगे आप लोग? यहाँ मैं एक माइक खोलना चाहूंगा शारिक उसैद साहब का, मैं माइक खोलूंगा, मैं चाहूंगा कि आप भी मुशारका करिए थोड़ा सा। शारिक साहब माइक खोलिए। अस्सलाम वालेकुम तुल्ला बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं आपको माशाल्लाह प्रोग्राम में देखता हूँ तो जी जी। मैंने सोचा कि आपसे मुशारका करवा लिया जाए आज तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी आसमानी चार किताबें हैं और आसमानी जो किताबें हैं बच्चों, ये उस्ताद, ये सेकंड उस्ताद है आपके आज के, शेख शारिक फैजी साहब सेकंड उस्ताद हैं, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। आमीन आमीन। तो बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह अपने बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं जी। आसमानी जो मशहूर किताबें वो चार हैं, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे सुहब इब्राहिम, सुहब मूसा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो चार अहम हैं कुरान मजीद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह तआला ने नाज़िल फरमाया, और तौरात जो मूसा अलैहि सलाम के ऊपर नाज़िल की गई, हज़रत ईसा अलैहि सलाम के ऊपर नाज़िल की गई, ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहि सलाम के ऊपर नाज़िल की गई, ये चार किताबें हैं। लेकिन अब हमें और आपको कुरान मजीद के ऊपर ही ईमान लाना है, लेकिन जो पुरानी किताबें हैं उनका इनकार नहीं करना है। जो किताबें तौरात इंजील ज़बूर उसको हम इनकार नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको ये मानते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल की हुई चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर उन लोगों ने कुछ चेंजिंग कर दी अपने अपने हिसाब से। लेकिन कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुई है और ना कोई कर सकता है, इसलिए कि इसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने अपने जिम्मे ले ली है, फरमाया इन्ना नहनु ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तो ये हो गया कि वो किताबें जिनका तज़किरा है हम उनको मानते हैं और जो कुछ उसके अंदर है उसको भी मानते हैं, लेकिन अगर कोई चीज उसके अंदर है और हमारे कुरान के अंदर उसका तज़किरा है कि वो नहीं करना है हमें तो हम उसको नहीं मानेंगे, लेकिन वो कुरान मजीद के अंदर है नहीं उसका तज़किरा है लेकिन उसके अंदर है तो हम मानते हैं कि पहले से वो चीज क्या थी मौजूद थी, उसको इनकार नहीं करेंगे। तो अंतुमिना बिल्लाह व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, और जितने भी रसूल आए हैं सारे रसूलों के ऊपर हम ईमान लाते हैं मुजमल तौर से, लेकिन मुफस्सल तौर से तफसीली तौर से हमें किसके ऊपर ईमान लाना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना। हम नहीं कह सकते हैं कि जी वो तौरात के ऊपर तौरात में मौजूद है तो हम तौरात मान लेंगे, नहीं, अब हमें कुरान ही मानना है। हमारे लिए जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद किया दीन इस्लाम ही है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अब जो महबूब दीन है वो दीन इस्लाम है, वो दीन इस्लाम। तो आप नहीं कह सकते कि नहीं यार वो हम ईसाइयत भी मान लेंगे क्या मुश्किल है, वो भी तो अल्लाह ताला का दीन है, हम यहूदियत भी मान लेते हैं वो भी तो अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, नहीं, अल्लाह के रसूल जब आ गए तो सारे अदियान मनसूख कर दिए गए, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया और जो किताबें थी वो भी क्या हो गई हमारे लिए मनसूख कर दी गई। अब जो किताब हमें फॉलो करनी है वो कुरान मजीद ही, हम कुरान मजीद को मानेंगे और उसको हम मानेंगे कि वो आसमानी किताबें हैं अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन जो चीजें इस कुरान मजीद के अंदर है वो हम मानेंगे। तो अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व यौमिल आखिर, पांचवा रुकन क्या है? यौम आखिरत के ऊपर ईमान लाना, कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाना, इस दुनिया के बाद हमें दूसरी दुनिया में जानी है, जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इकट्ठा करेगा और हमारे किए का हिसाब हमको देगा, हमारे किए का हिसाब हमें देगा और हमारा मुहासबा होगा वहां पे, आपने क्या किया है, छोटी चीज की है आपको वहां मिलनी है, बड़ी चीज आपने की है वो भी वहां पे मिलनी है, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। यानी आप ये कह लीजिए कि आपका रिजल्ट अभी तैयार हो रहा है, आप इस दुनिया में छोटी सी छोटी चीज करेंगे, छोटी सी छोटी नेकी करेंगे वो आपको मिलने वाली है, बड़ा से बड़ा काम करेंगे वो वहां मिलने वाली है, छोटा गुनाह करेंगे वो भी मक्तूब होगा, बड़ा गुनाह करेंगे वो भी मक्तूब है। इसलिए कि आप जब सूरह अल कारिया पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरह,
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جس شخص نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہے تو اسے وہاں دیکھے گا, اور جس نے اگر ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی وہاں پہ دیکھے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گئی بات. تو مختصر یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا آئے گی, وہ بروز قیامت, قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب ہوگا. اس لیے اس دنیا کے اندر جب آپ زندگی گزاریں تو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. آخری پلر کیا ہے؟ وہ بالقدر خیرہ و شرہ, تقدیر کے برے اور بھلے ہونے کو پر ایمان لانا. جو کچھ ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پہ آپ کہاں پہ ہیں, آپ کیا کھا رہے ہیں, آپ کیا پہن رہے ہیں, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں, دکھ ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, آسانی ہے, کیا کچھ ہے آپ کے یہاں, وہ سب آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. آپ کون سے اسکول میں پڑھنے جائیں گے, کون سا ڈریس پہنیں گے, کب شیخ پرویز کے سامنے آپ بیٹھیں گے, کب آپ جواب دیں گے, کب ان سے جواب سنیں گے, یہ سب مکتوب ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو جوائن کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. آج آپ کے سامنے ہم ہیں, ہمارے سامنے آپ ہیں, ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ ہم سے بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں, آپ ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں, یہ سب مکتوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہمارے اور آپ کے سب کے تقدیر کو لکھ دیا تھا. اب اگر کوئی شخص آ کر کے سوال پوچھے اور کہے کہ ارے شیخ صاحب آپ نے بہت اہم بات بتا دی بھائی, اب اگر ہماری قسمت میں نماز پڑھنا نہیں لکھا تو ہم کیسے پڑھیں گے, ہماری کیا غلطی ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ تم اتنے کم بخت رہو گے کہ نماز نہیں پڑھو گے, تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے. اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر لکھی تھی تو پتا تھا کہ تم ایسے ایسے رہو گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے لکھ دیا ہے اس کو. تو یہ ہے تقدیر. اب آپ کی زندگی میں کچھ اگر اچھا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں آپ, اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کے اوپر صبر کریں. کیونکہ جب آپ کی زندگی میں, جب آپ کی زندگی ہے نا, تو اس زندگی میں ایک جیسے سچویشنز نہیں رہتے, الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے کبھی پریشانی ہے, کبھی دکھ ہے, کبھی تکلیف ہے, تو اس کو آپ کیا کریں, جو دکھ اور تکلیف ہے اس کو آپ برداشت کریں, آپ جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے آپ کو جب کوئی خوشی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, ویسے اگر آپ کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے کبھی تقدیر کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ارے یار میری تو زندگی خراب ہو گئی, میں تو برباد ہو گیا, میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں اچھا ہو رہا ہے, غلط ہے. ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے. ایسا کہنا گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہے ہو, تو اس لیے کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو اس طریقے سے آپ تقدیر کے اوپر بھی ایمان لائیں. تو اس طرح سے ایمان کے ہو گئے 5 ارکان, اسلام کے ہو گئے, ایمان کے کتنے پرکار, ایمان کے کتنے ارکان ہو گئے؟ ہاں مرزا, ایمان کتنے ارکان ہیں؟ 6. چلو ایمان کے 6. ساتھ صاحب ایمان کتنے ارکان ہیں؟ 6. امتیاز ہادی, اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ ہادی اسلام کے 5. اسلام کے ممتاز, اسلام کے 5 ارکان, شہادتین, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, اور رمضان کے روزے رکھنا, حج بیت اللہ. اور ایمان کے کتنے ارکان ہو گئے؟ 6. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا, اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لانا, اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا, اور تقدیر کے پورے اور بھلے ہونے کے اوپر ایمان لانا. اور کچھ بھی سوالات پوچھے تھے جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن وہ میں نہ بتا کرتے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب وہ چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عمر خطاب سے کہا کہ اتدری من السائل, عمر یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا ہے کہ سائل کون تھا, مطلب جو سوال کر رہا تھا وہ کون تھا آپ کو پتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رسول عالم, کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فإنه جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم, وہ جبرائیل تھے, وہ اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھا سکے. اچھا چلیے, تیسرا جو میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے سوالات ہوں گے جو قبر میں پوچھے جائیں گے. من ربک,
अगर मैं आपसे सवाल करूं कि तुम्हारा रब कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत आसान सवाल है भाई, तुम्हारा रब कौन है? अब्दुल्ला सुदेश बताइए। अब्दुल्ला सुदेश माइक खोलो। अब्दुल्ला सुदेश माइक खोलो। अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला रब है। तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। अल्लाह है। अल्लाह कौन है हमारा? हमारा अल्लाह कौन है? अल्लाह वो है जिसने मुझे पैदा किया है। अल्लाह कौन है? जिसने मुझे पैदा किया है और जिसने मुझे इतनी ढेर सारी नेमतें दी है और तमाम मखलूक का पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। और वही हमारा क्या है? माबूद हकीकी है। और वही, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। माबूद नहीं। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि पानी कौन बरसाता है? अल्लाह ताला। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह ताला। धूप कौन, सूरज कौन निकालता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। सूरज कौन डूबता है? अल्लाह ताला। यानी सब कुछ अल्लाह ताला करता है। यानी सब कुछ, यानी रब कौन है? मन रब का यानी जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें नेमतों से नवाजा है, जिसने सब मखलूक को पैदा किया है, दुनिया माफिया को पैदा किया है, वही माबूद हकीकी है। उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। और तमाम किस्म की तारीफ किसके लिए होनी चाहिए? अब्दुल्ला सुदेश अल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम किस्म की तारीफ किसके लिए होनी चाहिए? अल्लाह के लिए। आपको पता हो गया, सब बच्चों को पता हो गया कि हमारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह तबारक व तआला है। चलिए दूसरा सवाल है कि तुम्हारा दीन कौन सा है? दीन मा दीनुका, कौन जवाब देंगे? अरे भाई और भी लोग आप जवाब दीजिए, इतने लोग हैं यहाँ पे और सिर्फ साद अख्तर साहब माशाल्लाह से एकदम जवाब देने के लिए तैयार है। दो ही तीन बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं, और भी आप लोग हाथ उठाइए। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग शरीफ हो जाओ जवाब देने। चले यहाँ पे अरीफा है, अरीफा, अरीफा बहुत अच्छी बच्ची है। अरीफा माइक खोलो अपना, माइक आपका नहीं खुला। अरीफा माइक खोलो बेटा, अरीफा अपना माइक खोल लीजिए आप। वाले सलाम अरीफा, कहाँ से आवाज आ रही है? अब्दुल्ला से बोलो, रुके अब्दुल्ला सौ से बोलो, रुके जी। तुम्हारे तुम्हारे भाई की आवाज है, उसको रोको। दीन इस्लाम है, दीन इस्लाम है। रुकने के लिए उसकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपके, अब्दुल्ला की आवाज मेरे पास आ रही बेटा जी। हाँ आप बस हो गया, आपने बताया दीन कौन है? दीन, दीन हमारा दीन क्या है? इस्लाम। इस्लाम, और इस्लाम वही है जो किताबो सुन्नत के अंदर मौजूद है। इस्लाम वही है जो कुरान के अंदर मौजूद है और जो हदीस के अंदर मौजूद है। तो हमें उन तमाम चीजों को करना है जो किताब के अंदर मौजूद है, कुरान के अंदर मौजूद है और जो हदीस के अंदर मौजूद है। उसके अलावा हमें और किसी चीज को नहीं करनी है। कुरान और हदीस हमारे और आपके लिए काफी है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का ऐलान कर दिया कि अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। ये हमने दीन तुम्हारे ऊपर क्या कर दिया है? अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, सारी नेमतें हमने क्या करती है? मुकम्मल करती है। व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, और हम तुमसे इस दीन से क्या होकर राजी हो गए हैं। तो ये दीन क्या है हमारा? दीन कहाँ है? कुरान में और हदीस में है। कुरान और हदीस से हट करके कोई अगर चीज आपको आ रही है, आपको लोग बुला रहे हैं उसकी तरफ, वो दीन नहीं है। तो हमें और आपको क्या फॉलो करना है?
कुरान और हदीस। अरिफा बोलो। कुरान और हदीस। अहसनती, कुरान और हदीस हमें फॉलो करनी है। उसके अलावा कोई और आकर के कोई और बात बताए जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं है तो आप मुझसे कह दीजिए कि बाय बाय टाटा, मैं आपकी बात को नहीं मानती क्योंकि मेरे पास कुरान है, मेरे पास हदीस है, मुझे आपको कोई बात बतलानी है, आप मुझे बतलाइए कुरान से और हदीस से, तो हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, अदरवाइज अस्सलाम। ठीक है, शाबाश। आपने सुन लिया कि रब कौन है, दीन क्या है, अब सवाल है तुम्हारे नबी कौन है, तुम्हारे नबी कौन है, मन नबी युका। चले यहाँ पे मोहम्मद अशहर आलम कोई है, वो हाथ उठाने बच्चे के लिए। जी मोहम्मद अशजर, अशजर बोलो बेटा, अशजर माइक खोल दिया आपका। जी बोलिए मोहम्मद अशजर, बोलो बेटा। आवाज आपकी नहीं आ रही है, कट रही है आपकी आवाज, मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके यहाँ कुछ। आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है कुछ? चले ठीक है, हम किसी और से पूछ लेते हैं, शायद इनके यहाँ आवाज का कोई मसला है। चले भाई, हाँ मिर्जा साहब आप बताएं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मन नबियों का, आपके नबी कौन है? नबी ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? इंशाअल्लाह हम लोग उसको संडे को पढ़ेंगे क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा है, मेरे ख्याल से 1.5 घंटा होने को जा रहा है, इसलिए हम इस मीटिंग को यही क्लोज करते हैं और आप लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग जो टाइम दिया जाता है उस टाइम पे आए और अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर के आए। अगर आप बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर के आए, जाहिर सी बात है आपके दोस्त होंगे उनको लेकर के आए, और अगर आप बच्चियां हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल को लेकर के आए। ज्यादा से ज्यादा मैसेज को दूसरों तक भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शरीक हो सके। ठीक है, तो फिर अच्छा यहाँ पे कुछ एक आवाज आ रही है कतर से, साद अख्तर साहब की। जी साद साहब। कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम यहीं से शुरू करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ जानना चाहेंगे, आपकी सीरत के बारे में मुख्तसर, कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका नाम क्या था, आपकी जिंदगी कैसे गुजरी, आप मक्का में कितने दिन थे, मदीना में कितने दिन थे, आप नबी बने तो उसके बाद क्या हुआ, किन किन परेशानियों को झेलना पड़ा, ये होगा। ठीक है साथ साथ, तो इंशाल्लाह आप रेडी होकर के, आप कतर में रहते हैं? बोलो साहब। जी आप, तो मैं कतर आ जाऊं टहलने के लिए? आ जाऊं? आ जाइए, एयरपोर्ट पे इस्तेमाल करेंगे। कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तब आइए। हाँ, कोरोना वायरस खत्म हो जब ही आएंगे, अभी कहाँ पाएंगे, फ्लाइट ही नहीं है। चले ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, नेक और साले बनाए आपको, अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, अपने अबू अम्मी की बात माने, उनका हाथ पांव दबा दिया करें, जब वो सोया करें तो चले जाया करें, बोले अबू आपका सर दबाना है, आपका पैर दबाना है मुझे। हाँ, क्योंकि हमारे, मैं जानता हूँ कि हमारे हमारे एक, मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब हम छोटे थे, छोटे छोटे थे, तो एक जगह हम जाते थे टहलने, हमारे वो अंकल थे तो उनका एक लड़का था, तो हमारे अम्मी से कहता था कि मैं अपने अम्मी के पैर के नीचे जन्नत ढूंढता हूँ। छोटा था ना वो, है ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो माँ बाप की आप लोग बहुत कदर करें, कोई भी जो यहाँ पे बैठे हैं माँ बाप के ऊपर शाउट नहीं करें, उनको ज्यादा आंख वाक नहीं दिखाएं, नाराज ना हो, वो जो बात कहें उसको मान लिया करें, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारी बातें अच्छी कहते हैं, अच्छी सोचते हैं, तो आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनको कभी परेशान ना करें और उनकी हमेशा खिदमत किया करें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे संडे को सेम टाइम 7 बजे इंडियन टाइम और 4:30 बजे सऊदी टाइम। ठीक है,
तब तक के लिए हमें इजाजत दे दीजिए और अपने अब्बू अम्मी के लिए जब दुआ करें तो हमको भी थोड़ी सी दुआ कर दे दिया करें, वहां पे हमारा भी नाम ले लिया करें। शेख परवेज साहब के लिए दुआ करो, ठीक है? चलो फी अमानिल्लाह इला लिका अल कादिम والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيكم يا شباب